और एक बड़ी खबर मैनपुरी से है। सरकार बनाम परिवार के बीच यहां पर मुकाबला है और इस जंग को और रोचक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बना दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले आपको बता देते हैं। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज का रिजल्ट जारी कर दिया है। एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी हुआ है। 1016 आईएएस आईपीएस और आईएफएस के लिए चुने गए हैं। इसमें से 180 आईएएस और 200 आईपीएस अधिकारी बनेंगे। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है, वहीं अनिमेश प्रधान दूसरी और अनन्या रेड्डी को तीसरी रैंक मिली है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, सिविल सर्विसेज के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी किया है। 1016 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, इनमें से 180 आईएएस 200 आईपीएस अधिकारी बनेंगे। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। इसके अलावा अनिमेश प्रधान दूसरी और अनन्या रेड्डी को तीसरी रैंक मिली है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन लोगों ने टॉप किया है सिविल सर्विसेज की परीक्षा में। आज रिजल्ट जारी किया गया, वो नाम भी सामने आ गए हैं जो लिस्ट में टॉप पर हैं। फिलहाल 1016 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चयनित हुए हैं आईएएस आईपीएस और आईएफएस के तौर पर। इसमें से 180 आईएएस हैं, 200 आईपीएस हैं। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक।